नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में स्थित आपको सोम कमला अंबा बांध पर लेकर चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, इस बांध का निर्माण कार्य लगभग 1980 में प्रारंभ हुआ और 1999 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस समय इस बांध से आसपुर, साबला और सलुम्बर के गांवों को सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बांध का ग्रॉस कैचमेंट एरिया 6102 MCFT और 19,719 हेक्टेयर का क्यूमुलेटिव कमांड एरिया है। इस बांध का कैचमेंट एरिया 5376 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बांध का पीक फ्लड डिस्चार्ज 20,500 क्यूमेक्स का है। बांध में 15x12.85 मीटर स्क्वायर के 13 गेट लगे हुए हैं। बांध में स्पिलवे रेडियल गेट्स लगे हैं। इन गेटों को वर्टिकल न बनाकर रेडियल इसलिए बनाया जाता है ताकि गेटों पर पड़ने वाला लोड दो कंपोनेंट में बट जाए, जिससे गेटों पर कम लोड आए। आइए दोस्तों, अब आपको डैम का कंट्रोल रूम दिखाते हैं, जहां से गेटों की ओपनिंग की जाती है और कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं। अभी दोस्तों, हम डैम के सबसे भाग में हैं। यहां से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। बांध के गेटों का ओपनिंग और क्लोजिंग का काम यहां बैठकर किया जाता है। बांध के आसपास के एरिया के सर्विलेंस के लिए यहां CCTV कैमरा द्वारा मॉनिटरिंग रखी जाती है, जिसकी डिस्प्ले कंट्रोल रूम में ही लगाई गई है। आइए दोस्तों, अब आपको होइस्ट ब्रिज पर लेकर चलते हैं। यहां गेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए 15 HP की मोटर इंस्टॉल की गई है, जो रेडियल गेट के स्किन प्लेट से मोटर द्वारा वायर रोप से जुड़ी है। इन मोटर्स के माध्यम से ही वायर रोप खुलती है या सिमटती है, जिससे गेट की ओपनिंग या क्लोजिंग की जाती है। कौन सा गेट कितने डिग्री तक खुल चुका है, इसकी मॉनिटरिंग सामने लगाए हुए मीटर के माध्यम से रखी जाती है। यहां मोटर का स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैनल वोल्टमीटर और अमीटर के साथ इंस्टॉल्ड है। इस समय दोस्तों, हम बांध के सबसे ऊपरी हिस्से में हैं। यहां हर गेट के लिए 15 HP की मोटर इंस्टॉल्ड है और प्रत्येक गेट को उठाने के लिए 6 वायर रोप रेडियल गेट से जुड़े हुए हैं। शाम के समय यहां सनसेट का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। सोम कमला अंबा बांध सोम नदी पर बनाया गया है। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर और आसपुर तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
बांध पर थ्री फेज एसी सप्लाई है, लेकिन इमरजेंसी के लिए यहाँ दो जनरेटर सेट भी इंस्टॉल्ड किए गए हैं। ये अभी आप वीडियो में जनरेटर सेट रूम देख पा रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें चलाकर बांध पर बिजली आती है। यह डीजी सेट रेस्ट हाउस 15 एचपी की मोटर्स, 5 एचपी की गैलरी की मोटर्स को पावर सप्लाई हेतु है। आइए दोस्तों, अब आपको डैम के गैलरी सेक्शन में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि डैम की गैलरी कैसे होती है, किस पर्पज के लिए डैम की गैलरी बनाई जाती है। मैंने अलग से एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरी तरह से समझाया हुआ है कि डैम में गैलरी क्यों बनाई जाती है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में वो वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डैम की गैलरी डैम के सीपेज के पानी के ड्रेनेज के लिए ज़रूरी रहती है, और एक बार जब बांध बन जाता है उसके इंस्पेक्शन के लिए एक स्पेस की ज़रूरत हमको रहती है। डैम के कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सालों बाद जब डैम के गैलरी के ड्रेन होल और पोरस होल चॉक्ड हो जाते हैं तो उनकी क्लीनिंग और रीमिंग का कार्य भी इसी गैलरी में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप गैलरी में देख पा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम डैम के नॉन ओवरफ्लो सेक्शन से ओवरफ्लो सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो हम ओवरफ्लो सेक्शन में होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें गैलरी से पानी ड्रेन आउट करना रहता है, उसके लिए यहाँ पर पंप और मोटर का सेट लगाया हुआ है जो रेगुलर गैलरी से पानी डैम से बाहर फेंकते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर डैम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, और ये जो आप सनसेट का नज़ारा वीडियो में देख पा रहे हैं ये रेस्ट हाउस की छत से ही मैंने बनाकर आपको उपलब्ध कराया है। तो डैम पर शाम के समय में सनसेट का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और यहाँ बहुत शांति का अनुभव होता है। आइए दोस्तों, अब आपको पुरानी यादों में लेके चलते हैं और डैम के जो सामान पहले उपयोग में आते थे अब नाकारा हो चुके हैं। जो सेंट्रल स्टोर यहाँ पर थे अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जो कॉलोनियाँ यहाँ पर बनी हुई थी अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो डैम के डाउनस्ट्रीम साइड में और रेस्ट हाउस के पीछे की तरफ ये कॉलोनियाँ पहले बनी हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ स्टाफ की कमी कहिए या मशीनरी की कमी कहिए या बजट की कमी कहिए, ये चीज़ें नाकारा बन गई और अब ऐसे ही इस स्थिति में पड़ी हुई है। इन सब क्षतिग्रस्त खंडरों को देख के दोस्तों दुख भी होता है और परेशानी का भी अनुभव होता है, क्योंकि इनके निर्माण कार्य में जो पैसा लगा होगा, जो कर्मचारी यहाँ रहते थे उनकी भावनाएं यहाँ से जुड़ी होंगी, लेकिन स्टाफ की कमी, बजट की कमी, रखरखाव की कमी ने इस क्षेत्र को ऐसा बना दिया है। दोस्तों बांध 215.5 मीटर सी लेवल तक डिजाइन किया हुआ है, लेकिन इसका FWL 213.5 का है जो मैंने आपको गेज लेवल में भी दिखाया है।
जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि इस डैम से चार कैनाल्स निकाली गई है। पहली आरएमसी, राइट मेन कैनाल, दूसरी लेफ्ट मेन कैनाल, तीसरी बीबीसी यानी बड़ौदा ब्रांच कैनाल और चौथी भबराना ब्रांच कैनाल। तो ये चार कैनाल्स यहाँ के डैम के कैचमेंट से निकाली गई है सिंचाई हेतु। बाकी आगे इन नहरों से और सब माइनर्स निकाली गई है। अभी वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि बीबीसी हेड रेगुलेटर से किस प्रकार कैनाल में पानी निकल रहा है। यह कैनाल आगे मेन बड़ौदा ब्रांच कैनाल और आरएमसी से बाईपासड है। तो किसी भी परिस्थिति में जब हम आरएमसी के गेट ओपन नहीं कर पाते हैं तो बीबीसी के गेट ओपनिंग द्वारा और यहाँ की बाईपासिंग से आरएमसी में भी पानी का फ्लो कर दिया जाता है। अभी आप दोस्तों वीडियो में राइट मेन कैनाल का स्लुइट्स गेट सिस्टम देख पा रहे हैं। यहाँ वर्टिकल टाइप के स्लुइट्स गेट लगे हुए हैं। ये जो लंबी रोड आप देख पा रहे हैं ये वार्म गियर सिस्टम है और इसकी मूवमेंट से ही वर्टिकल स्लुइट्स गेट ऊपर नीचे होता है। कोई भी डैम दोस्तों तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। बांध का ओवरफ्लो सेक्शन जो कि गेटेड पोर्शन देता है, बांध का नॉन ओवरफ्लो सेक्शन और अर्थन डैम का सेक्शन, इन तीनों के मिलने से ही एक बांध का निर्माण होता है। तो दोस्तों सोमकमला अंबा बांध का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।